आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और मिस नहीं करनी यार। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इन टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से नीचे रेड बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले और नई वीडियो हमारी आपको मिलती जाए। तो हमें आप लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। और गाइस, आज का पहला फर्स्ट व्लॉग है, तो इसमें अगर अरे कहना क्या चाहते हो, हिचकिचाहट होगी मुझे, जो कुछ भी होगा, सो उसे मैनेज करें और लाइक करें, और से लाइक करें और कमेंट करें कि हमारा फर्स्ट व्लॉग, मेरा फर्स्ट व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, इसमें एंटरटेनमेंट है या नहीं है, ठीक है या कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है, एक्सेट्रा जो भी है मुझे कमेंट में बताएं। और चलते इस वक्त जो ना, हमारे बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं और समझ रहे हो, इन्हें करते हैं फटाफट से सेटअप। और देख सकते हैं आप फटाफट से अपने बालों को सेटअप करके, कुछ ना से कुछ थोड़ा बहुत ही सही सेटअप करके आ चुका हूँ। और अभी हाथ भी थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है, इसे भी सेटअप करना है, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी शॉप पे। तो ये देख सकते हैं एप्पल का लोगो, तो अपनी शॉप पे खड़ा हूँ। तो ट्रिम उठा के करते हैं, थोड़ा बहुत हाथ नीचे ऊपर लगाते हैं, थोड़ा बहुत ब्लेड स्लेट और करते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ होता है हमसे खुद ब खुद करते हैं। हाथ में खड़ा हूँ अपनी शॉप के अंदर, तो व्यू इतना ना बैकग्राउंड मजे का आ रहा है, ना मेरा फेस इतना मजे का आ रहा है, जो भी है जैसा भी है फिलहाल मैनेज करें और चलते हैं बाद में साथ साथ बाहर। फिलहाल हम करते हैं अपना हाथ खुद ब खुद, तो हाथ करके मिलता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हैं आप, ट्रिमर उठा के अपना ऑपरेशन खुद ब खुद जारी हो चुका है और स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जो कुछ भी हो रहा थोड़ा थोड़ा, तो गाइस जैसा देख सकते हैं आप, ये कोट, ये जो जैकेट लगी हुई है, ये हमें कर रही है बहुत ही ज्यादा परेशान और तंग। फटाफट से इसे उतारते हैं और अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं और देखते जाओ। गाइस देख सकते हैं आप, कोट वगैरह उतार के हम आ चुके हैं मैदान में और अपना ऑपरेशन करते हैं शुरू, तो लेट्स गो। देख सकते हैं आप, हमारा उस्तरा भी हो गया रेडी, जिसे हमने अपनी गर्दन के नीचे वाले हेयर रिमूव करने, अब भले ही हेयर करके हेयर रिमूव होंगे या फिर पता नहीं क्या होने वाला है, लेट्स स्टार्ट इट। तो एक हाथ से उस्तरा, एक हाथ से फोन यूज हो तो सकता नहीं है, तो कोई जो यार, ये छोटा सा ट्राइपॉड किस काम आएगा, घर का खुद का जुगाड़ किस काम आएगा, तो इसे ही करते हैं यूज, इसे ही करते हैं इस्तेमाल और साथ साथ। तो गाइस शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये मेरी एक साइड क्लियर हो चुकी है और ये मेरी रहती है अभी दूसरी साइड, तो दूसरी साइड भी करते हैं। तो take me home.
goosebumps on my body come alive. Skin on my skin, oh. I'm away and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home? Take me home. हेलो गाइस, तो देख सकते हैं आप हाथ वगैरह बिल्कुल कंप्लीट फुल चश्के में फुल मजे में। तो भाई लोग अभी आगे का क्या सीन है मुझे खुद मालूम नहीं है, जो कुछ भी होना है जैसा भी होना है आपके सामने ही होना है, तो देखते जाए। तो बाकी सब कुछ तो कंप्लीट है बिल्कुल फुल चश्के में, तो फेस के ऊपर थोड़ा बहुत रहता है कुछ लगाने को, तो वो बाकी किया जाएगा, तो बाकी फुल चश्के में फुल मजे में। तो आगे जो कुछ भी होना है जैसा भी होना है आपके सामने। तो इस वक्त मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी और तैयार। इस वक्त मैं अपने मोहल्ले की घर की गली में खड़ा हूँ और अभी आई है बिलाल भाई की कार और कहते हैं कि जी हमने चलना है कहीं घूमने, आओ चले। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वो आ रहे हैं अपनी हैवी बाइक लेके, तो चलते हैं बिलाल भाई के पास। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मेरा भी व्लॉग एंड हो जाएगा और व्लॉग भी मेरा बन जाएगा फर्स्ट व्लॉग। तो चलते हैं बिलाल भाई के पास। गाइस बिलाल भाई पहुंच चुके हैं और इनकी हैवी बाइक इनका बड़ा भाई ले गया है और ये ऐसे ही आए हैं पैदल। तो हमारे पास ये पहुंच चुके हैं, हम इनको रिसीव कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जी इनके साथ ही यहीं अपने घर के करीब ही थोड़ा सा नीचे। तो हमने सोचा चलो यहीं घर के करीब भी कर लेते हैं, व्लॉग शूट कर लेते हैं, अपने व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मिस नहीं करनी यार, प्लीज वीडियो पूरी देखनी है, हमारा वॉच टाइम कम अज कम कंप्लीट कर। इस वक्त हम जा रहे हैं जी रहमान ब्रिज के करीब, जो एक और ब्रिज है। दरअसल यार रहने वाले तो हम यहीं के हैं बट यार उस ब्रिज का नाम इस वक्त माइंड में नहीं आ रहा है, याद तो है बट माइंड में नहीं आ रहा है। तो ये गाड़ी वाला भी हॉर्न मारे जा रहा है यार साइड पे, हो क्या रोड ना पूरी माल की आप चल रहे हो। तो इस वक्त हम जा रहे हैं यार रहमान ब्रिज के पास, जो एक और ब्रिज है उस ब्रिज पे जा रहे हैं। यो ब्रिज ये, तो ये आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा ब्रिज है। हाय हाय दिल करता है मैं यहीं बिस्तर बिछा कर सो लूं, मजे शशके भाई यहाँ तो बिस्तर बिछाए ना तो सो जाते हैं कसम से। तो गाइस चलते हैं आपको इसका व्यू करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, बट आगे आपकी चॉइस है आपको कैसा लगा है कैसा नहीं लगा। तो यार लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, जो भी करो करो सही। इस वक्त हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। तो ब्रिज के ऊपर के मनाजर आपको दिखाते हैं, इसके जो ऊपर आके जो नज़ारे हैं नीचे देखो तो ओए होए होए हो नज़ारे, कश्मीर में कश्म में पक्की चस है। तो वो चस आपको दिखा रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं। नजारे आप देख सकते हैं जो एंड वाला ब्रिज जो एंड हो रहा है वो देखो, हां ना वो देखो प्यारा लग रहा है बिल्कुल, क्या मनाजर है इसके, पता चलता है कि ये देख सकते हैं आप बिल्कुल क्या मनाजर है। तो क्या मंजर है इसके, क्या मजे हैं, क्या चस है, आए हाय। तो भाई लोग इसके साथ
हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और बाकी कुछ भी नहीं। और तो लव यू हो गया यार, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।